बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तुसी वेरो पंजाब टीवी अज दा व्लॉग अल्लाह पाक दे शुक्र और करम और फजल नाल जनाब शुरू करने हैं। ते सब तो पहले जनाब तुहानू इन्हां चीज़ां वेख रहे हो हाईलाइट्स ने ताकि तुहानू कोई आइडिया हो सके, उस तो बाद अगे व्लॉग शुरू करने हैं। ते अज असी जनाब इंशाल्लाह लाहौर फालिया तो लाहौर जा रहे हैं, बाबा जी दा उर्स मुबारक है, उत्थे इंशाल्लाह हाज़री और कवरेज करनी है ते इंशाल्लाह व्लॉग शुरू होंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अज का ब्लॉग असं गुजरात से शुरू करने पे क्योंकि फालिया तो जितने निकले सो गए तो इंशाल्लाह हम बाबा जी के उस चलने लाहौर तो गुजरात स्टेशन पर आए हैं तो तुम खाने टिकट वगैरह भी लेने और ट्रेन से चलने अज इंशाल्लाह तुम ट्रेन का सफर करवाने भाजी रेडी हो पता भी है जी। असं स्टेशन से आ गए गुजरात वाला, चेक करो कि यार याद नहीं रहा इंतहाई जड़ा ना, मतलब कि सुस्ती आई, सुते रहे रस्ते कुछ गड्डी सौड़ी होंगी लोकल या ट्रांसपोर्ट तुम्हें पता है मसला बड़ा होंगे, छोटी छोटी जगह स्पेस आफजर भी बेचारे बड़े ही औखे हैं। तो चलो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करें हूँ फिर अज इंशाल्लाह उम्मीद है कोशिश है कि टिकट लभ जाए, अगर लेट हो तो फिर नहीं, बाकी इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि ट्रेन से अब तुमने इंशाल्लाह विजिट करवाएंगे ट्रेन का। जनाब टिकट ऑफिस है तो इतों इंशाल्लाह पता करना टिकट का अगू साड़ी किस्मत मिलती है या नहीं मिलती। यार टिकट ही लभी यार, सारे सपने दोहरे रह गए, दुआनू भी खाना ही बहरहाल चलो मर्जी है हूँ साइया की हूँ फिर अल्लाह ताला खैर करे फिर लभने लोकल ही असं तो स्टैप पाई सिर्फ ट्रेन तुम खाने मैं चलो तुम ट्रेन का सफर करवाइए लेकिन बदकिस्मती आने 8 बजे तो पहले कोई ट्रेन नहीं। चलो असं भी फिर जाना तो आइए फिर सही कभी इंशाल्लाह जरूर बड़ा ही सफर करा तुम ज्यादा आने चला तुम वेख लो गुजरात कितना खूबसूरत है माशाल्लाह, चेक करो मज़ा आया जी। अल्लाह के बंदे हो निकलो एक बार पाकिस्तान वेखो तुम कितना प्यारा पाकिस्तान नजर आए, घर बह के आते दुबई सोना चेक करो वे फुटपाथ साफ सुथरा वे क्लीन चेक कर लो जी। बस स्टैंड पहुँच चुके हैं हूँ लभने गड्डी लाहौर की फिर की बनता है दसने का, बाकी यार दोबारा वापस आ चुके हैं क्योंकि जड़ा ना गड्डी जी सही कोई मिलती नहीं सी पाई, किसी ने दसाया कि अगे जाओ चंद किले नाले मेरे जहन च एक आइडिया आ गया सी कि चंद किले जाके एक बार मैं निकल लै गया उत्थे ना अर्श मेडिकल सेंटर है उतों बहर के मुल्क वास्ते जड़ा ना डॉक्टरी करवानी है, उस तो बाद जड़ा ना मैंने एक आइडिया है कि मैं है चलो चंद किले अगे ही चलने तो नाले जनाब उतों जाके सुटने अंदर जनाब कोई समझ दो ना पे उत्थे जनाब बन्नू पलाओ है बहुत ही कमाल दा और ईमानदारी नाल जड़ा ना बन्नू पलाओ देंदे ने ते आ वेखो माशाल्लाह यार गुजरां वाला भी जड़ा ना कमाल है खूबसूरत है यकीन करो अंदरूना जड़ा ना अंदरूनी हिस्सा अखीर है। तो बाकी इंशाल्लाह हुण कोल चलने आज मेरे नाल ते चंद किले उतर के जनाब राइट साइड से थोड़ा जिहा आना है एक मार्केट बनी है समझ लो कि सड़क तो जी थले डाउन आंदा ना समझ लो कि रस्ता वो ते थोड़ा अगे उदो जनाब निहायत ही जनाब ईमानदार बंदे ने एने जनाब बाबा जी बीफ बन्नू पिलाओ वो इस वास्ते ईमानदारी आखी इन्हों की ए तुम चेक करो ईमानदारी इन्हों की सब तो पहले रायता चेक करो फिर जनाब तुम पिलाओ अद्धा किलो लवो दे ते अद्धा किलो पूरा तोलणगे अगो जनाब तुम वेखो एक बुरकी नाल एक बोटी जाएगी मैं एक फलिए भी वेखा बन्नू पिलाओ लेकिन यार वो भी दाज लेंदे आ ते यकीन करो बना अखीर है हर बुरकी नाल जो जाता ना गोश्त एक बार स्वाद आ जाता है चेक करो तुसी आप आखो दे कि यार वाकई एक कहते कि ईमानदारी करती उन्हें पूरा अद्धा किलो के पैसे 300 रुपया लेंदे तो पूरा अद्धा किलो ही होंगे ये नहीं कि घट वध 100 ग्राम घट या वध ए जनाब उत्तो जनाब 150 रुपये के जनाब नली लीए चेक करो यार इतने आके बंदा जिड्डा भी लाउंडा सख्त हो ना पिघल जाता एक बार कमाल यार एक बार ना जिस टाइम सुकून आ जाता है रूह भी जड़ा ना एक बार तो खैर इस ने जनाब खाने तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात करने अगे भी काफ़ी ज़्यादा लंगर ने तुहानू भी विखाने ने इत्थे ना ना रला आ जा लो जी ए चेक करो मेखो वे तो गोडे की जनाब किवें आते हैं अलहमदुल्ला अल्लाह का शुक्र नाल जनाब बड़ी जबरदस्त रज के खाद है तो हूँ जनाब उतों चंद किलो तो जनाब तुम लाहौर जाने का बड़ा आसान तरीका दसना 250 रुपया दो एवरी तो बवो अलहमदुल्ला जी लाहौर पहुँच चुके हैं तो हूँ जनाब ओरेंज ट्रेन तक पहुँच चुके हैं क्योंकि यार रस्ते नेरा से इस वजह से वीडियो नहीं बना सके हूँ इतों टिकट लाँगे तो इंशाल्लाह यकीन खाना चाहिए टिकट वगैरह भी करना आसान ले लेंगे तो
ਕੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਰਸ਼ ਹੈ ਯਾਰ ਅਖੀਰ ਰਸ਼ ਹੈ ਐਂਡ ਆਲਾ बाकी यार लाहौर के जड़ा ना बाकी लोकल सफ़र बहुत ज़्यादा महंगा पैंता है इन्ना सन फालिए तो मतलब मिसाल देना तुम अगर 100-200 किलोमीटर दूरों आए हो ना थानू किराया थोड़ा पवेगा या ज़्यादा पवेगा लिहाजा कोशिश किया करो मेट्रो या ओरेंज ट्रेन को जरा ना तरजीह दिता करो ताकि सफ़र च आसानी और जल्दी चीफ की रश की वजह तो ना जो सन पीछे ला दिता है एक दो स्टेशन तो हम फिर गुरक्षा फड़ना पवेगा या पैदल जाना पवेगा अब्दुल्ला के एहसान के नाल जिहड़ा असी मतलब कि चौक जिमखाना चौंक पहुँच चुके हैं कि इंतहाई बहुत ज़्यादा रश है इंतहाई ज़्यादा रश है तो बाकी यार है वे कि ओरेंज ट्रेन जी है ना वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र जो नबेड़ी है इंतहाई जरा ना वह यकीन करो फायदा है हूँ उस बैठे अगर रक्षा तो थले तो आते तो बड़ा टाइम लग जाना सी बाकी जरा इंशाल्लाह तुम अगे जाके विखाने कि कितनी आवाम और कितने मामला और कितनी चीज़ा इतने जनाब इंट्रस्टिंग होने वाली इंशाल्लाह बड़ी ही मजा आने चीज़ा होनी लो जी अलहमदुल्ला हूँ खान भी सी आ गया रमीज़ भाई इन्हों भाई मैं नाम जिन निकल गया वजीराबाद बहुत दस है जनाब उमर भाई बड़े प्यारे भाई ने साडे तो इन्होंने जनाब लंगर वास्ते इशारा कराया सन बड़ा जबरदस्त है भी किस्म है माशाला वेखो व्डा गोश्त और पालक यार है जरा जैका नहीं भुलता किधरे भी कसम खुदा दी कमाल है अखीर है फिर जनाब अगे मौलवियों की साड्या की साड़ी जनाब स्पेशल खुराक बिच अखरोट बदाम तो जनाब लुत्फ जरा फिर तुम पता है कि मौलवियाँ अपने हाथों में बनाया फिर कैसा होना है अखीर जनाब फिर जनाब अलहमदुल्ला जी उर्स का जरा फाइनली तीसरा दिन है अज और आखिरी नशिस्त है तो असी सारे भाई अमर भाई जक्की भाई आकिब भाई नाल ड्राइवर है तो नाल अमर भाई का एक दोस्त सी जे भाई बैठे ने तो हूँ इंशाल्लाह अल्लाह सोने के सान नाल असी जा रहे हैं फिर जरा ना मुलाकात फाइनल जी अलहमदुल्ला अल्लाह ताला के करम और एहसान नाल बड़े इज्जत तरीके जड़ा है उर्स मुबारक का इख्तिताम हो चुका है तो आना फिर बिरयानी तुहाड़े सामने ही है तुहानू पता है फिर बिरयानी तो बंदा मर मिटद खैर बिरयानी खा लीए जनाब तो आर रोड तो जनाब वापस आ चुके हैं वापस आके गड्डी बैठे हैं लाहौर आर रोड तो जाना सी कुछ चीज़ा लैनिया समान वगैरह लेकिन यार किसी सूरत कोई चीज़ नहीं मिली तो फिर मैं की किया है उत्थे गया विकास बिरयानी बड़ी मशहूर बिरयानी है उत्थे बिरयानी खाधी आप हफ साहब वास्ते एक प्लेट लई है हफ सर भी चार चमचियां लाइया मैं भी लाइया तो मैं खैर आज की खाधी है हफ सर दो चार चमचियां लाइया बेचारियाँ उतों निकलिया लारी अड्डे आ जनाब ए थोड़े सामने डैब के बैठे हाँ तो बाकी यकीन करो कि सन पता है या साढ़े रब न पता है कि कितने हालात खराब हो गए क्योंकि उसकी वजह है कि बरूद बड़ा खाधे थोड़े सामने कितनिया चीज़ा खादिया ने गोंदा तो ला लो कि सफ़र भी करना हो और एक दिन इतनिया चीज़ा खा के अपने आप में जुल्म ही होंगे खैर यार लांगरिया तो लांगरिया में फिर फर्क तो होंगे यार बंदे चलो बाकी यार वीडियो जरिया तो शेयर ना करते सही गल बड़ी अफसोस होंगे बड़ी मेहरबानी उसी की वीडियो जरूर शेयर किया करो ताकि मजीद इंसान के अंदर हौसला पैदा होए तो वीडियो बनावे चैनल में सबसक्राइब कर लवे लाइक कर लवे शेयर कर देवे शुक्रिया।